बच्चों की ब्लैकमेलिंग को लेकर शिवसेना ने बच्चों के परिजनों के साथ अमृतसर के एसएल भवन स्कूल के बाहर प्रदर्शन किया। इस मौके पर परिजनों का कहना है कि स्कूल वाले हर साल उनसे एडमिशन के नाम पर मुरादा रुपए की उगाही करते हैं। शिवसेना के कार्यकर्ता रजिंदर सहदेव ने कहा कि वह स्कूल के प्रिंसिपल से पहले भी मिले थे और प्रिंसिपल ने आश्वासन दिया था कि जल्द ही इस मामले का हल कर दिया जाएगा, लेकिन उसके बावजूद वह अब भी उगाही कर रहे हैं और ब्लैकमेलिंग बंद न की गई तो प्रदर्शन उग्र करेंगे। डस करते पे हैं ये स्कूल की चोर बाजारी धक्केशाही पेरेंट्सां दे उपर बहुत ज़्यादा बच्चों से जुलम हो रहा, मतलब कहता कि हर पासे लुट कसुट चल रही है। एस एल भवन के अगे अज धरना लगाया, सारे पेरेंट्स इकट्ठे ने। इतों की प्रिंसीपल नूं असी पहले मिले सी, उन्होंने असी 100 बंदा नाल मिलन गए, जिहड़ा अंदर जाण वास्ते सानूं रोकिया गया, पर कोई शिफ्ट नहीं, उन्होंने मिलन गए। 2-3 घंटे की बहस तो बाद उन्होंने सानू आश्वासन दिता सी कि असी बच्चों दी जिहड़े 2 बेटियां ने एक बेटी की फीस माफ़ करांगे। एस एल भवन की है वो खुद इतना तगड़ा झूठ बोलती है और बच्चों के असर की पड़ेगा, बच्चों को की समझाएंगे। यह मंदिर है, मंदिर च बह के एडा तगड़ा झूठ बोलना बड़ी शर्म की गल है। टूलों की चोर बाजारी जी ये बंद की जाए, धक्का हो रहा जो बंद किया जाए। अमित अरोड़ा वा और मेरा एक बेटा एक बेटी इतने पढ़ते हैं, एक ने फर्स्ट विच अपीयर किया, एक ने केजी विच किया, पर सानू बड़ी दिक्कत आती है जो हर साल सानू 10,000 रुपया रीएडमिशन देनी पैंदी है। जे असी रीएडमिशन ही देनी है तो फिर फायदा की है इहोजे पैसे पे करन दा? एवरी ईयर असी पैसे पे करने और हर साल फीस भी वधाई जांदे ने, असी भी कित्थों करांगे? साडी भी 25-30,000 रुपया तनखाह वा, उहदे विचों असी 1-1.5 लाख रुपया एक बच्चे का इत्थे पे कर दईए तो असी किस तरह सर्वाइव करांगे? सानू दस्सिया जावे, नरेंद्र मोदी जी कहिंदे सी बच्चों की फीसां माफ़ की जाएगियां, अच्छे दिन आएंगे, कि अच्छे दिन है, उल्टे सानू सर्वाइव ही नहीं किया जा रहा साढ़े को। असी बच्चे पढ़ाईए कि असी की करिए? जे यह कहें कि असी समूहिक विह करने, कि समूहिक विह करते हैं साढ़े पैसों तो करने ने? यू ऑल आर वैल ऑफ, साढ़े गले घोट के पेरेंट्स से जे योजे काम करने ने तो फायदा की गया। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। पाकिस्तान विखे बहुत ही मंदभागी घटना वापरी है। पाकिस्तान दे विच सिखां दे विच बहुत ही सत्कारित हस्ती गुरु घर दीआं सेवावां दे विच भी वध चढ़ के हिस्सा लैण वाले मुख प्रबंधक भी रहे और उत्थे समाज सेवा दे विच भी उन्होंने बहुत बड़ा योगदान पाया है। डॉक्टर सुरेंद्र सिंह जिस दी कल हत्या कर दिती गई, जो बहुत ही निंदनीय घटना है, पाकिस्तान दी सरकार नूं सिखां दी जान माल दी राखी वास्ते ठोस उपराले करने चाहिए हन, क्योंकि पाकिस्तान दे विच सिख बहुत घट गिणती विच हन और उन्होंने अपनी मेहनत सदका पाकिस्तान दे विच रह के देश की तरक्की वास्ते बहुत बड़ा योगदान पाया, उत्थे अपने कारोबार अपने परिवारों नूं सैटल किया होया है। इस दे नाल सिख हिरदियां नूं बहुत ही दुख पहुँचा है और इस दी पाकिस्तान दी सरकार अपनी जिम्मेवारी समझदी होई दोषियों नूं सजावां देवे और श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान साहब भी सरकार नाल गल करके, सरकार जो सेंटर सरकार दे नाल ही पाकिस्तान सरकार दे नाल गल करके यकीनी बनाया जाए कि सिखां दे हिफाजत हर प्रकार की जाएगी, गुरु घरां दा सत्कार बहाल रखा जाएगा और सिखां दी जान माल दी जिहड़ी राखी है वह पाकिस्तान अपनी जिम्मेवारी समझदी होई उसनूं यकीनी बनाउण दे वास्ते उपराले करेगी। इस दे नाल सिखां दे विच बहुत वड्डा दुख है, क्योंकि विदेशां दे विच कदे पाकिस्तान दे विच, कदे अमेरिका दे विच, कदे कनेडा विच, कदे यूके दे विच, कदे किसे होर देश दे विच किते सिखां दी दस्तार लुहाई जांदी है, किते कृपाण दा मसला आ जांदा है, किते होर अनेक ऐसे मसले आ जांदे ने
जिहड़े साडे धार्मिक ककारां दी बेदबी दा कारण हुंदे ने जां साडे गुरु धामां दी निरादरी कीती जांदी है। इस करके विदेशां विच जिथे जिथे भी सिख बैठे ने उहनां दे हिफाजत वास्ते सिखां नूं आप भी उपराले करने चाहीदे ने। असीं छोटी जी कौम हाँ, फिर भी अनेकां धड़ियां विच वंडी होई हाँ। अगर असीं सारे एक मुठ हो जाइए, श्री अकाल तख्त नूं समर्पित होइए, तो इन्हां चुनौतियां दा असीं मुकाबला भी कर सकांगे। ये चुनौतियां भी सानूं जिहड़ियां ने बहुत घट दरपेश आउणगियां, क्योंकि हिस्सों विच वंडी हुई कौम हमेशा कमज़ोर हो जाती है। इस कर सिखां नूं आपसी भाईचारा कायम करना चाहीदा है। मनुखता की सेवा करने वास्ते अपने आप नूं अगे लिया के सारिआं दा माण सत्कार करना चाहीदा है। और सरकारां सिखां दे वास्ते कोई योग और ठोस उपराले करन। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। पठानकोट में SC & BC एम्प्लाइज फेडरेशन पंजाब ने राज्य स्तरीय 125वां बाबा भीमराव अंबेडकर जन्म शताब्दी समारोह का आयोजन किया। SC/ST कमीशन पंजाब के चेयरमैन राजेश बागा और इंदर इकबाल सिंह अटवाल विशेष रूप में उपस्थित थे। इस मौके पर इंदर इकबाल ने कहा कि बाबा साहब ने समाज में दबे कुचले वर्ग को उठाने के लिए बहुत कुछ किया और उसका लाभ पूरा दलित समाज उठा रहा है। इस मौके पर फेडरेशन की ओर से दोनों मुख्य अतिथियों को राज्य स्तरीय अवार्ड देकर सम्मानित किया गया। SC/BC एम्प्लाइज फेडरेशन पंजाब वालों डॉक्टर अंबेडकर बाबा साहब B R अंबेडकर जी की 125वीं जयंती मनाई गई है, जिस वख-वख विभागों के पंजाब सरकार जिन्हें भी डिपार्टमेंट आ वो सारे मुलाजम इकट्ठे होकर बाबा साहब जी का हर साल प्रोग्राम करते हैं, तो इस स्टेट अवार्ड देंगे। इस बार इन्होंने सरदार इंदर इकबाल अटवाल जी जो SC/ST फोरम जी MP तो MLA दी है वो नैशनल प्रेजिडेंट है, उन्होंने एक अवार्ड दिता, एक मैनू SC कमीशन के चेयरमैन के नाते इन्होंने अवार्ड दिता। असं इन्हों धन्यवाद भी करते हैं। तो यह मेन मकसद इन्होंने इस बार रखा अवेयरनैस बाबा साहब का जो एजुकेशन लैके मिशन से वो अवेयरनैस से यह कार्यक्रम आ सारा। ये फोरम का मैं धन्यवाद भी करता SC कमीशन वालों। 125वीं जयंती के समागम उपस्थित हुए, सो मैं समूह संगत सारे ही इलाका निवासियों बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के 125वीं जयंती की लख लख। पाकिस्तान की कोट लखपत जेल में संदिग्ध परिस्थितियों में मरे भारतीय कैदी कृपाल सिंह की अंतिम अरदास गुरदासपुर के नजदीकी पैतृक गांव मुस्तफाबाद में की गई। इस मौके पर राज्यसभा मेंबर प्रताप सिंह बाजवा सहित अन्य लोगों ने कृपाल को श्रद्धांजलि दी। प्रताप बाजवा ने कहा कि वो विदेश मंत्री सुषमा स्वराज और प्रधानमंत्री से बात करेंगे कि पठानकोट एयरबेस पर आतंकी हमले की जांच के लिए पाकिस्तानी टीम भारत आ सकती है तो दोनों देशों के संसदों की एक कमेटी बननी चाहिए जो पाकिस्तान जाकर भारतीय कैदियों की स्थिति का पता लगा सके। सरदार कृपाल सिंह के शोक समागम में पहुंचे हैं, अंतिम अरदास सारे इकट्ठे हुए हैं। इन्हें हमदर्दी करने लिए श्रद्धा के फुल भेंट करने लिए मैं आया। मुख्यमंत्री साहब ने मैंने हुक्म किया कि उस परिवार ने अज भी जाके दुख साझा करो, भावें पहला मैं अफसोस कर आया सा पर परिवार ने इस गल का विश्वास दवाया कि जो पिछले दिनी मुख्यमंत्री साहब ने अखबारों में यह गल कही है कि जो सरबजीत हुणा की मौत तो बाद उस परिवार को जो सहूलत दी गई ने चाहे फाइनैंशली हो चाहे किसी परिवार के मैंबर नौकरी की गल हो सहूलत इस परिवार को भी देंगे। और मैं परिवार की मंग के मुताबिक पंचायत की मंग के मुताबिक ये चाहते सन कि वो यादगार में एक गेट जरा बनाया जाए, वो मैं अपने अख्तियारी फंड 5 लाख रुपया देने का भी इतने मैं वादा करके चलिया, वो अगले महीने मैं इन्होंने पैसे भेज देंगा। जिते सारे सलाह के नाल मेन सड़क पर बनाना चाहन वो यादगार लिए गेट भी इतने बना सकते हो रही। अज सारे की मंग सी पिंड लैवल की, बाकी परिवार लैवल द जो फैसला करे वो मुताबिक असी जो भी दे सकते हैं वो इन्हों देंगे। बहुत मेहरबानी सारे की इतने पहुँचने। देखो मैं अपील करांगा, मैं 25 तरीक नूं सहुं चुकनी अज मैंबर ऑफ पार्लीमेंट कृपाल सिंह हुणां नाल जो होया ते इस तो पहले जो सरबजीत सिंह जी नाल होया सी ते जो साडे बाकी कैदियां नाल हो रहा पाकिस्तान दीआं जेल्स जिहड़ियां ने इन्हां विच टॉर्चर कोई नवीं गल नहीं, हिंदुस्तानियां नाल ज़्यादतियां पुराने वक्त तों हुंदियां आईआं ने। गल जरूर करांगे ते मैं इस गल दी इह मुद्दा भी उठावांगा सुषमा स्वराज जी दे सामने ते नरेंद्र मोदी जी नूं कहांगा कि जे पठानकोट के एयर अटैक उत्ते इन्हां दे लोक इत्थे आ के
साढ़े एयरबेस नू विजिट कर सकते हैं, क्यों नहीं एक डेलीगेशन MPs का जेड़ा है सुषमा स्वराज आप लीड करे तो पाकिस्तान दियां लोग आ जी जिस तरह कोर्ट लोक पत्रा जेल है इन्हों असी क्यों ना विजिट करिए असी जाके आप वेखीए कि उत्थे साढ़े प्रिजनर्स कैदियों का की हाल है। जे पाकिस्तानी इन्ने वड्डे इत्थे आके साढ़े जवानों नू मार के जा सकते हैं तो एक जॉइंट एक्शन कमेटी जी है विजिट कर सकती है तो क्यों नहीं उन्होंने पार्लियामेंटेरियंस भी। मैं उत्थे इन्हां नू राय देवांगा कि जॉइंट साडे कुछ पार्लियामेंटेरियंस होण कुछ पाकिस्तान दे होण उत्थे जाण जिन्हां जिन्हां जेलां दे विच हिंदुस्तान दे कैदी ने उन्होंने जाके असीं मिल सकीए उन्हां दी भी तसली होए कि सानू कोई मिलन वास्ते आया साडे भी कोई देश दे विच लोक है ने जिहड़े साडे फिक्रमंद ने। यह मैं मुद्दा उत्थे दिल्ली दे विच पार्लियामेंट जरूर उठावांगा। हाँ कंपनसेशन की मेरी गुजारिश यह है मैं सुनिया सी बीबी दलबीर कौर नूं इह गल कहिंदे होए कि साहब प्रकाश सिंह बादल जी ने यकीन दवाया कि सरबजीत सिंह होना दे एट पार उन्हां दी नौजवान बच्ची नूं क्लास वन जॉब मिली सी तो मेरा ख्याल 1 करोड़ रुपया उदों असी माली राशि दित्ती सी। मैं चाहवांगा कि सेम कंपनसेशन कृपाल सिंह जी दे परिवार नूं देनी चाहीदी है क्योंकि इन्हां ने उस तरह ही तसीहे चले ने उस तरह ही मुश्किलां चलियां ने शायद उसनों सरबजीत सिंह नूं भी वध मुश्किलां चलियां होण ते जिहड़ी इन्हां ने गल कही है कि नैचुरल डैथ नहीं हुई मैं बिल्कुल इन्हां दे नाल सहमत है। अपने वीरां नूं श्रद्धांजलि बोल बोला गई भैणां वीरां दे नाल खुशियां मनांदियां ने इदां काल कोठे आ के मुलाकात करनी बड़ी औखी है मेरा माता जे साडे परिवार नूं सेम उहनां दे ते पंजाब सरकार दे विच भर्ती कीता सी मेरी आस है कि बादल साहब उस तरह ही गवांझणगे इस परिवार नूं हिंदुस्तान की जी सारों वड्डी पंचायत है ओहदे विच सहु चुकनी है जो मैंबर ऑफ पार्लियामेंट। मैं उही कहना चाहूंगी कि जो अनाउंस किया है पंजाब सरकार ने ओहनूं पूरा करन और पूरा विश्वास है कि जिदा साढ़े बारी बादल साहब ने जो अनाउंस किया उससे उन्होंने फुल चढ़ाई है इसको भी पूरा करेंगे और एक पुन की गल है कि एक दुखी परिवार नो और एक जिसने इन्ने साल तसीहे चले सी उसके और ये शहादत नो मुख रखते हुए साढ़ा सारे का हक भी बनता फर्ज भी बनता कि उसको पूरा किया जाए। मैं उम्मीद करती हाँ कि बादल साहब इसते पूरा खरा उतरणगे और दूसरा बादल साहब के कोल मैं भी अपील करना चाहूँगी कि अपनी सरकार के नुमाइंद लैके न सेंटर सरकार के उपर जो दबाव पान बहुत जरूरी है और इन्हों की गल बहुत जल्द सुनी भी जाएगी। मैं उम्मीद करती हाँ कि बादल साहब इन्होंने सारिया गलों के उत्ते जरूर खरा उतर। नवजोत सिंह सिद्धू को राज्यसभा मेंबर बनाए जाने के बाद उनकी पत्नी नवजोत कौर सिद्धू ने आने वाले विधानसभा चुनाव में चुनाव न लड़ने की बात कही। नवजोत कौर सिद्धू का कहना है कि उनको दिक्कत अकाली सरकार से नहीं बल्कि बादल परिवार और मजीठिया परिवार से है। नवजोत सिद्धू सदा ही पार्टी दे वफादार रहे हैं उन्होंने ऑल ओवर इंडिया प्रचार अपनी बीजेपी पार्टी लिए किया है उन्होंने अपनी हमेशा माँ का दर्जा दिता है तो हमेशा जिनी भी ड्यूटी पार्टी ने दी है उन्नी निभाई है 3 बार MP दे दी एक मेरी MLA की इलेक्शन हुई तो हूँ उन्होंने राज्यसभा लिए नॉमीनेट किया तो बहुत अच्छी गल है पंजाब के या ऑल ओवर इंडिया के जोड़े मुद्दे हैं एक चंगा इंसान चंगे काम कर सकता है बहुत सारे काम चंगे होने वाले हैं सो उम्मीद है कि उत्थे रह के पार्लियामेंट दे विच ओ हिंदुस्तानियां दी आवाज़ बनेंगे तो चंगा काम उत्थे करेंगे। देखो मेरा पर्सनल मैं हमेशा बहुत ज़्यादा क्लीयरली गल की है मैं बदलती भी नहीं अपने गल नूं मैनू अलायंस के नाल प्रॉब्लम्स रही हैं मैं एक अपनी संस्कारां ते खड़ी हाँ मॉरल ग्राउंड्स ते खड़ी हाँ मैं जे BJP ते अकाली दल की अलायंस रहिंदी है तो मैं इन वालों इलेक्शन नहीं लड़ मैनू अकाली दल नाल नहीं रही हाँ मैनू एक परिवार जिहड़ा बादल परिवार है तो मजीठिया साहब है उन्होंने प्रॉब्लम्स रही हैं उन्होंने क्रिएट की हुई प्रॉब्लम्स है उन्होंने कोशिश भी नहीं की उन्होंने दूर करन दी सो मॉरली ग्राउंड्स से स्टैंड करता है जो मैनू 4 साल के हुण तक प्रॉब्लम्स है तो मैं अगे वाले कुएं च क्यों छाल मारूंगी जिथे मैनू प्रॉब्लम्स नहीं है।
देखो जो उन्होंने अलायंस लिए प्रचार करना होंदा तां फिर वह प्रधान भी बन जाते सो जेड़े जेड़े बंदे दी बनदी नहीं फिर वह जेटली सर दी इलेक्शन लिए भी आ जाते सो उन्हां दियां जो प्रॉब्लम्स हैगियां बादल सरकार नाल उन्हां दियां क्रिएट कीतियां होईयां जिहड़ियां कि उन्हां वल्लों आईयां नवजोत सिद्धू वल्लों नहीं आईयां सो वह प्रॉब्लम्स उत्थे स्टे करदी हैं सो गल ही नहीं बनदी कि वह इंसान उत्थे आके उन्हां दे जिन्हां दे वह अगेंस्ट है जिन्हां करके वह बाहर कढ़िया गया तां सारी पॉलिटिक्स की गेम चली उत्थे आके उन्हां लई प्रचार करे तां हो नहीं सकदा। सिख कैदी दविंदर सिंह भुल्लर को 21 दिन के पैरोल पर रिहा कर दिया गया। दविंदर सिंह भुल्लर को जून में दिल्ली से अमृतसर की जेल में शिफ्ट किया था और वह तब से विवेकानंद मनोरोगी अस्पताल में दाखिल है। दविंदर भुल्लर की पत्नी नवनीत कौर के मुताबिक सिख पंथ और पंजाब सरकार की कोशिश की वजह से दविंदर भुल्लर रिहा हुए है। बड़ी मेहर की बड़ी बख्शिश की आज सानू दीना बाकी सारे दा धन्यवाद ते पंजाब सरकार ने भी अपनी ड्यूटी निभाई है। हाँ जी मैडम जी पेट्रोल तुहानू घट मिली है पहले तुसीं ज्यादा एप्लीकेशन लाई सी की कहना चाहते हो? नहीं चलो जो भी मिली है बहुत है कोई गल नहीं। अच्छा ते हुण इहनां दे हालात कैसे ने ठीक ने? हाँ जी काफी ठीक है। कारण पहली बात तो ये है कि ये पहले भी कोई रिहाई तो पहले भी कैद में नहीं थे। ये तो पंजाब सरकार के फाइव स्टार कल्चर के मेहमान थे, इनको हर तरह की सहूलत पंजाब सरकार दे रही थी। और दूसरी बात ये है कि ये आने वाले इलेक्शन को प्रवाने के लिए, ये सियासी दाव पेच को डूबती नैया को बचाने के लिए ये सुखबीर बादल जी नए नए दाव खेल रहे हैं, लेकिन हर दाव उल्टा पड़ेगा क्योंकि पंजाबी किसी चीज़ के लिए इन्हें माफ़ नहीं करेंगे। और मैं समझता हूं ये जो दो रिहाई 24 घंटे में हुई हैं उसके पीछे पंजाब सरकार का पूरा हाथ है और ये इन्होंने जो किया है मैं समझता हूं ये पंजाब के हालात को बिगाड़ने की और एक कदम है और सरकार पंजाब के हालात बिगाड़ना चाहती हैं और वो पंजाब सरकार एक साजिश के तहत अकाली दल इनको रिहाई करके वो चाहती हैं कि वो तो डूब ही रहे हैं, सरकार तो जा रही है और वो चाहते हैं कि जाते जाते पंजाब के हालात खराब करके जाएं। लेकिन मैं समझता हूँ कि पंजाब का अमन भाईचारा इतना स्ट्रांग है कि पंजाब के लोग अब आतंकवाद को कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। नहीं ये तो कांग्रेस का शुरू से रहा है हर एक बात पे इल्ज़ाम लगाना और लंबे समय से एक 26 साल से है एक 24 साल से अंदर बंद है, एक दिन के लिए भी वो लोग बाहर नहीं आए। तो कोई भी जेल अधिकारी या कोई भी प्रशासनिक अधिकारी किसी को पैरोल देता है तो निजमों के अधीन देता है, जेकर उसको कानून शक्ति देता है तो तभी उसको सैंक्शन करता है। तो दविंदर पाल सिंह भुल्लर ने और गुरदीप सिंह खैरा ने जेकर पैरोल अप्लाई किए तो निजमों के अधीन की है, तो प्रशासन ने भी उस पर निजमों के अधीन काम किया है और सरकार ने कि उनके ऊपर कोई दया नहीं की है कि किसी तरह की उनको साथ सहानुभूति दिखाई है। और सरकार कोई भी आदमी है किसी भी केस में बंद है तो उसके अधिकार को तो छीन नहीं सकती। तो ये जो कुछ भी हुआ है उनका अधिकार था। और कांग्रेस का जहाँ तक बात है, कांग्रेस का मतलब है पंजाब में पहले भी इन्होंने आग लगाई थी, पंजाब में सुख शांति है तो सुख शांति रहेगी। और श्रोमणी अकाली दल और भारतीय जनता पार्टी सरकार का सबसे बड़ा स्लोगन यही है कि पंजाब में हार सुख शांति, कि किसी भी तरह का कोई तनाव ना पैदा हुआ है इस काल में और ना हम होने देंगे, तो ना होने की संभावना है क्योंकि सबसे ज़्यादा सभी धर्मों में एकजुटता यहाँ है, हर एक कौम में एकजुटता यहाँ है तो वो पंजाब है। तो इनको ऐसे लांछन लगाने की आदत है, ये इनका तो क्या कहते हैं कि पंजाबी में तो भोग कहते हैं, तो इनकी तो अंतम अरदास हो गई है, तो ये तो पंजाब में खत्म हो गए। ये कौन सा पैरामीटर है, कहाँ टूटी है पंथक वोट जहाँ पंजाब के लोग हैं, पंजाब के लोगों ने फैसला करना है। पंजाब के लोगों ने पहले 2007 में किया, पंजाब के लोगों ने 2012 में किया और 2017 में भी जो नजर आ रहा है, तो ये पहले से गेम हार चुके हैं तो अब से ये लांछन लगाना शुरू कर दिया है, ऐसे ना करें।
अच्छा मैसेज, मेरा ख्याल, मैं अपने जाति तौर पर कहता हूँ कि अच्छा मैसेज आएगा कि जेकर कोई नेक चलनी के साथ रहता है तो उसको समाज को एक्सेप्ट करना चाहिए, समाज को उसको प्रोत्साहित करना चाहिए कि ठीक है कि पता नहीं वो दोषी है, इनोसेंट है, मैं इस पर नहीं जाना चाहता, तो कुछ भी है, उसको सजा हुई तो सजा 24 साल हो गए उसको अंदर, हुई एक को 26 साल हो गए, तो क्या इसमें क्या ऐतराज करने वाली बात है। तो जो कुछ भी हुआ है कानून के दायरे में हुआ है, जो संविधान के अधिकार है उनका उन्होंने यूज किया है। कोई भी कर्मचारी, कोई भी अधिकारी, चाहे जेल वाला हो चाहे प्रशासन अधिकारी हो, वो अपनी कलम उतना समय नहीं चलाता, ना किसी के कहने पर चलाएगा। तो ये तो प्रशासन ने कानून के अधीन उनको पैरोल दी। मेरी पिछली बार मुलाकात नहीं थी मिल पाए, असीम जी आए ने, जेस जी, कुछ अजय भी पुराने वीर रह गए, शर्मा जी बहुत देर बाद आए ने, बड़ा सीरियसली कुछ नॉर्मल सिटीजन एवरीबडी इज नॉट एक्सपेक्टेड टू नो कि मैं किड़े थाने जा, मैं किड़े जिले जाके को उधर ही साड़ा सारा हिंदुस्तान एक कोई है, पंजाब के वासी सारे पंजाबियों लिए पंजाब एक है, ये नहीं हो सकता कि वो हूँ अमृतसर कमिश्नरेट जा गया जां वो देहाती अमर एस एस पी सोवा डिटेल दे विच साढ़े कोर्डीनेटर ने नाल सांझ प्रोजेक्ट जिहड़ा ट्रेनर ने वो तुहानू दस दिंदे आ, मेरे नाल मेरे सहयोगी ने डी सी पी कैरी किया जा सकता ये मैसेज, तो दैट विल बी ए ग्रेट कंट्रीब्यूशन फ्रॉम यूर साइड डी सी पी साहब। सबसे पंजाब पुलिस हेडक्वार्टर दे वल्लों जिहड़े पहला चल रहे सीगे सांझ ये जो एप्लीकेशंस कल लॉन्च की गई सी मान जो डिप्टी सी एम पंजाब द्वारा, उस दे विच जो सिटीजन सेंट्रिक सर्विसेज ने पुलिस रिलेटेड वो सारिया नू ऑनलाइन कर दिता गया है, जिस तरह के तुहाडी पासपोर्ट वेरीफिकेशन है, तुहाडी एन ओ सी है, करैक्टर वेरीफिकेशन है, तुसी कोई आमजी अप्लाई किया लाइसेंस, तुहाडे कोले पी सी सी है, इस तो अलावा लॉस्ट जो आर्टिकल्स ने अनट्रेसेबल ने उन्हां दे बारे कोई चीज़ तुहाडी गुम होगी तुसी रिपोर्ट लॉन्च करना चाहते हो, उस सारिया दे लई एंड्रॉयड एप्लीकेशन बनी है जो सांझ पंजाब प्रोजेक्ट का हिस्सा है, और ये गूगल स्टोर दे विचो फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल आ पंजाबी एंड इंग्लिश लैंग्वेज दे विच, कोई भी व्यक्ति इस नू एक्सेस कर सकता है। एक बार एप्लीकेशन तुसी ये ऐप्स जो डाउनलोड कर लेने हो, उस तो बाद जो जो सर्विस तुसी चाहते हो, तुसी अपनी पुलिस बारे इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हो कि मैं किहड़े एरिए चां, सपोज किसी नू कोई डिस्ट्रेस कॉल हो जाती है, तुहाडी गड्डी ब्रेकडाउन हो गई, तुहानू कोई प्रॉब्लम पेश आई, उतों तुसी सिंपल के कोई रास्ता ही पुछना चाहते हो कि मैं इस तो इधर जाना मैं की करा, ये सारी की सारी तुहाडे एरिया की रिलेटड पुलिस नाल जिथे तुसी होंगे वो इन्फॉर्मेशन तुहाडे फोन के उपर आ जाएगी, जिस तो तुसी अगली चीज़ कर सकते हो। ये पंजाब इस एप्लीकेशन के लॉन्च होने नाल पंजाब पहली स्टेट है जिथे पुलिस दियां सर्विसेज जिहड़े सिटीजन नूं ऑनलाइन अवेलेबल ने, जिस तरह असी पासपोर्ट बारे वेरीफिकेशन बारे चैक करते हैं कि मेरा पासपोर्ट बन गया कि नहीं बन गया, आर पी ओ तो किन्ने दिनों मिल जाएगा, वीज़ा सेंटर तो सानू पता लगता है, सिमिलर नेचर दे विच ये सर्विसेज ने जिहड़ियां सिटीजनस अपने घर बैठे लै सकते हैं, किसी नूं एन ओ सी चाहिए तो उसनों आके थाने जां सांझ केंद्र भी आने की लोड़ नहीं है, सीधा वह डाउनलोड एप्लीकेशन दे विच जाएगा, अपना एन ओ सी बारे चैक करेगा, अगर वह बनया होया तो उहदे ते अपलोड होया होना उसे नूं प्रिंट कर सकता, सिर्फ उन्होंने अपना एक मोबाइल नंबर और यू आई डी नंबर जिहड़ी तुसी कोई भी एप्लीकेशन सबमिट कर दो, एक हरेक कैंडिडेट एप्लीकेंट नूं यू आई डी नंबर मिलता है, वो तुहानूं उहदे नाल ऑनलाइन एप्लीकेशन मिल जाएगी।
इस दे विच कंप्लेंट दी शिकायत सुनने वाला कोई बहुता नहीं है क्योंकि सारिया चीजा ऑनलाइन हो रही ने। कंप्लेंट साडा सांझ केंद्र जो साडा बैकअप ऑफिस है जो तुसी रिपोर्ट दिने अज भी सांझ केंद्र जाके कोई एप्लीकेशन दिने हो उसका एक तुहानू यू आई डी नंबर मिल जाता उस तों बाद तुहानू सांझ केंद्र जाण दी लोड़ नहीं तुसी उसे ते एक्सेस कर सकदे हो। असी साडे सारे स्टाफ नू साडे ऑफिसर्स नू सेंसिटाइज कर सकते हैं कर रहे हैं कि जे तुहानू कोई कॉल करे उहदे लई स्पैशल तुहानू कोई वखरा कुछ करन दी लोड़ नहीं। इन्ना ही है कि उस व्यक्ति ने जे कोई सूचना मंगी है तो उसनू ओह बड़े सलीके नाल दे दित्ती जाए। जे कोई एरिया दे विच इह पुछदा जी मेरी गड्डी दा एक्सीडेंट हो गया उत्थे फोर्स भेजे जाण दी जरूरत है जां उसनू कोई असिस्टेंस भेजे जाण दी जरूरत है। कोई आदमी यह सोचा मैं जी इस रोड दे उत्ते स्टक हो गया मैनू राह नहीं पता क्योंकि पुलिस है जिसनू अपने हरेक एरिया दे सड़कां लिंक रोड दूजे दा रस्ता पता हुंदा उहनू गाइड कीता जा सकदा है जिहदे नाल नागरिकां दी खज्जल खुआरी उहनू फायदा हो सकदा। जां किसे एरिया दे विच ट्रैफिक ब्लॉकेड है आदमी यह पुछे जी मैं इत्थों अगर ट्रैफिक रश दे विच पुछ गया अगर मैं कोई बाईपास जां मैनू डाइवर्शन मिली है वह कित्थे है उहदे विच पुलिस नो योर पुलिस लिखिया तुसीं अपने संबंधित एस एच ओ नूं कोई भी जानकारी लेना चाहुंदे हो लै सकते ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਰੂਟੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਬੰਦੇ ਉਸਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡੇ ਟੂ ਡੇ ਕੰਪਲੇਂਟਸ ਆਫਟਰ ਆਲ ਮੈਂ ਜੇ ਠੀਕ ਠਾਕ ਜਾ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੀ। ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਇੱਥੋਂ ਮੈਂ ਪਟਿਆਲੇ ਜਾਣਾ ਬਠਿੰਡੇ ਜਾਣਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਾਣਾ ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਕਾਲ ਕਰਾਂਗਾ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸੱਚੋ ਨਾਲ ਕੀ ਤਲਕਾਤ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ।